जी बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट बाय जेएम में। बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की बात की जाए तो पहले दो मैच हारने के बाद उनकी टीम मुंबई इंडियंस अब बैक टू बैक तीन मैच जीत चुकी है, हैट्रिक लगा चुकी है और जीत की पटरी पर वापस आ गई है। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक और कीर्तिमान बना दिया है, अपना खुद का एक माइलस्टोन बना दिया है। वो शामिल हो गए विराट लिस्ट में, विराट लिस्ट में कह सकते हैं या इलाइट लिस्ट में कह सकते हैं आईपीएल की। यहाँ पर उन्होंने पूरे कर लिए 6000 रन। आपको याद होगा पिछले मैच में 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, 18 गेंदों पर ठीक ठाक तेज गति से रन बनाते हैं, हालांकि 28 रन ही बना पाते हैं लेकिन वो रन बनाते ही वो पार कर लेते हैं 6000 का आंकड़ा। जी हाँ, 6000 की बात करें तो वहां पर अभी सिर्फ 6 खिलाड़ियों ने बनाए हैं और अब 6000 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा चौथे नंबर पर आ गए। उनसे ऊपर तीन खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जिनके 6844 रन है, दूसरे नंबर पर शिखर धवन है जिनके 6400 करीब रन है और नंबर तीन पर आते हैं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर जिसके रन है 6109। तो रोहित शर्मा ने यहाँ पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। फिलहाल उनके लिए सारी चीजें सही जा रही हैं, चाहे वो अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू हो, मुंबई की बैक टू बैक तीन जीत हो या फिर ये बड़ा रिकॉर्ड हो जहां पर 6000 का आंकड़ा पार कर लिया है। और यहां तक कि लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा के रन नहीं आते तो एवरेज अगर उनका उठा के देखेंगे तो 30 के ऊपर का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। तो भले ही उस तरह से बहुत ज्यादा मैच विनिंग इनिंग ना आई हो लेकिन रोहित शर्मा की जो टी ट्वेंटी की इम्पैक्ट वाली इनिंग रहती है जहां पर आप 30, 32, 35, 40 इस तरह की इनिंग लगातार आती रही है भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो। जैसे कि आपने पिछले मैच में भी देखा वहां पर भी ठीक ठाक पारी आ गई थी रोहित शर्मा की। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज रोहित शर्मा के लिए। बाकी अगर इस तरह की वीडियोस आपको और देखनी है सारी अपडेट्स तो जल्दी से फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।